प्रवेश किया। और दूसरा जो बात है, जो हमारा इस प्रोग्राम को हम सिर्फ आज इस साल में विशेष रूप में मना रहे हैं, इसलिए अगले 15 अगस्त तक एक साल पूरा ये जो आज़ादी का मकसद, इसका जो लक्ष्य, ये उद्देश्य, इसके खिलाफ जो साजिश, इसको बर्बाद करने का जो षड्यंत्र, ये सारे बात हम एक साल, अगले पूरा साल भर ये आज़ादी का जो विचारधारा, जो इसको लागू करने का तौर तरीका, इसको अंतर्भाव करने का जो साजिश, ये सारे बात को हम एक साल पूरा जनता के बीच ले जाएंगे। ये हमारे विशेष कार्यक्रम है एक साल के। हम किताब, हम इसको बुकलेट लिखेंगे, पार्टी पेपर में लिखेंगे, मीटिंग करेंगे और ये आज़ादी का जो हमारा मकसद है, इसको जनता के सामने दोबारा उजागर करना ज़रूरत है। तो हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मानते हैं राजनीतिक आज़ादी जरूरी है, इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकता, मगर विकास के लिए आर्थिक आज़ादी के बिना ये पूर्ण आज़ादी संपूर्ण जनता का नहीं मिलता है। आज गरीबी है, आज भुखमरी है, आज दुनिया में जो भूखे लोग हैं उनमें का लिस्ट में हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा भूखा लोग है। आज आज़ादी का जो मकसद था, वो मकसद के मुताबिक वो जो आज़ादी आंदोलन से हमारा आइडिया उभर के आया था, जनवाद, जनतंत्र, व्यक्तिगत आज़ादी, उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मानवीय अधिकार, सांप्रदायिकता के खिलाफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ये जो आइडिया आज़ादी के आंदोलन से उभर के आया था और इसी आइडिया को इकट्ठा करके बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान लिखा था, वो संविधान में हमारा ये सारे आइडिया उसके अंदर था। उसी आइडिया के आधार पर हमारा देश आगे बढ़ेगा, यही हमारा सपना था। मगर आज हमारा सामने वो जो निराशा का वातावरण है, आज 75 साल में जब हम आए हैं, देख रहा है आज़ादी पर चोट पहुंचा जा रहा है। जो लोग आज़ादी का समय ब्रिटिश का गुलामी किया था, ब्रिटिश का दलाली किया था, ब्रिटिश का सेवा किया था, आज़ादी आंदोलन को खिलाफत किया था, आज वो बड़ा दावा कर रहे हैं वो आज़ादी आंदोलन का बड़ा बड़ा हिस्सादार है। ये गुमराह करने का तरीका है। आज़ादी के आंदोलन में शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कम्युनिस्ट ने किया। आपको मालूम है आंदामान जेल में जो जाते हैं म्यूजियम में, सारे जेल में जितना लोग का फोटो है काला पानी में साझा खटने वाला, उसमें 70% कम्युनिस्ट। मगर आज बीजेपी सरकार आके उसमें 434 नाम फोटो उसे निकाल दिया, क्यों? आज़ादी का इतिहास को वो विकृत करना चाहता है, आज़ादी के आंदोलन में जो लड़ा उसको बदनाम करना चाहता है, और जो आज़ादी का समाज विरोध किया, ब्रिटिश का गुलामी किया, ब्रिटिश को दलाली किया, वो सामने आने के लिए एक नया इतिहास बनाने का साजिश चल रहा है। इसलिए इस बार का आज़ादी में ये सारे बातें जनता के सामने उजागर करना है। कम्युनिस्ट पहले बार जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, कम्युनिस्ट नेता अशरफ मोहानी पहले बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। पहले तो डोमिनिकन स्टेटस का आलोचना चल रहा था, डोमिनिकन स्टेटस ब्रिटिश के अंडर, मगर कम्युनिस्ट ने बोला नहीं, पूर्ण आज़ादी के। वो प्रस्ताव आया, पारित हुआ, वो लड़ाई आगे बढ़ा। आखिर में भी हम बोला आर्थिक आज़ादी को भी जोड़ना चाहिए, और ये लड़ाई भी हमारे सामने आज तक अधूरा रह गया है, ये लड़ाई चल रहा है। इसलिए आज के परिस्थिति में हम देशवासियों को यही बताएंगे कि हमारा आज़ादी का जो मकसद है, हमारा जो संविधान जो हमको अधिकार दिया है, संविधान में हमको जो डेमोक्रेसी दिया है, जनतंत्र, जो धर्मनिरपेक्षता दिया है, जो हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है, जो भाईचारा का, विकास का, उसी का जो विचारधारा है, उसी विचारधारा जो हमारा संविधान का प्रीएम्बल में लिखा गया है, उसके आधार पर हमारा पीपुल विद द पीपुल
जो हमको उसी आधार पर उसी विचारधारा के पथ में रास्ता में चलना, ये हमारा आज़ादी का मकसद है। और ये मकसद से हटने का, पीछे हटने का एक साजिश हमारा नज़र में आ रहा है। आज़ादी को पीछे से खर्ब करने का आज़ादी, हमारा आज हमारा आज़ादी कहाँ जाएगा? आज हमारा देश में जासूसी हो रहा है। राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल नेता, बुद्धिजीवी, लेखक, जनवादी आंदोलन को नेता, सबको जो जासूसी किया जा रहा है। इसराइल से मशीन लेके उसी से हमारा जो अपना जो बातचीत को है उसको निकाल के सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने का साजिश कर रहे हैं। कोई भी प्रतिबात करो उसको बोले सेडिशन चार्ज दिया जा रहा है। आज़ादी में हमने दिया था हमारा बात का आज़ादी, बात रखने का आज़ादी, और वो आज उस पर हमला हो रहा है। सरकार का खिलाफ समालोचना आलोचना करना देश के खिलाफ नहीं है, देश सरकार के बहुत बड़ा ऊपर है। देश को भक्त जो होता है वो देश को विकास के लिए काम करता है, और सरकार जब कोई गलत काम करता है जो देश को विरोधी होता है वो फर्ज बनता है हमारा नागरिकों को, पीपल को, उसको आलोचना करना। और हम जब आलोचना करने जाते हैं हमारा खिलाफ देशद्रोही का चार्ज लगाया जा रहा है, यहाँ हमारा खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगाया जा रहा है। ये सब संविधान को हत्या करने का साजिश है। संविधान को मूल मंत्र जो है उसके अंदर से अंतर्घात करने का साजिश है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज आज़ादी का असली मकसद क्या था, इसके पीछे क्या विचारधारा का उभार के आया था, उसके आधार पर संविधान में क्या क्या निर्देश दिया गया था, किस तरह गरीबी हटाना, किस तरह बेरोजगारी दूर करके हमारा ज़िंदगी को बेहतर करना, पूरे दुनिया में आज़ादी का दूसरा मकसद था साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई। साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ के हम देश को आज़ाद किया था, मगर आज धीरे धीरे देख रहे हैं साम्राज्यवादी देश के साथ हम एक के बाद एक समझौता कर रहे हैं, उसके साथ हमारा आज़ादी को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारा आज़ादी के बाद अपना बुनियाद मजबूत करने के लिए हम पब्लिक सेक्टर बनाए, पब्लिक सेक्टर 219 बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जो हमारा विकास का बुनियाद था। पंडित जी बताया था कि आज़ाद भारत का नतून मंदिर मस्जिद, और आज वो मंदिर मस्जिद तोड़ा जा रहा है। आज सारे पब्लिक सेक्टर को बेच के विदेशी देशी बड़े बड़े पूंजीपति के हाथ में ये सारे सौंपा जा रहा है। तो आज़ादी का अंतर्घात नहीं है, आज़ादी का लक्ष्य के साथ विश्वासघात नहीं है। ये सब जो बातें हैं आज इस आज़ादी को विशेष रूप से मनाने का यही उद्देश्य है, जनता के सामने ये सारे बात को उजागर करना, आज़ादी को जो मूल मंत्र है उसको रक्षा करना, संविधान में जो मूल मंत्र है उसको हिफाजत करना, जनवाद को रक्षा करना, और हमारा जीने का आज़ादी, बात करने का आज़ादी, नौकरी के आर्थिक ज़िंदगी में बेहतर रहने का आज़ादी, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने का जो आज़ादी हक है, इसके लिए लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इसलिए अगले एक साल हम इस बात को जनता के बीच में ले जाएंगे, हमारा सारे राज्य का कार्यकर्ताओं ने ये सारे बात को जनता के बीच में ले जाएंगे। हम लिटरेचर के माध्यम से ये बात जनता के सामने प्रचार करेंगे, और हमारा आज़ादी को मजबूत करने के लिए, हिफाजत करने के लिए साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी और पूंजीवाद विरोधी जो लक्ष्य है, सामंतवाद आज भी है, आज भी किसान पर हमला हो रहा है, आज दूसरे तरह का पूंजीवाद हमारा देश को जो क्या बोलते हैं हमारा कॉरपोरेट हाउस के रूप में आज हमारा देश को कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं, हमारा सब कुछ को। इसलिए ये जो हमारा लक्ष्य है ये साम्राज्यवाद हमको गुलाम बनाने का वो रास्ता छोड़ा नहीं है। आज अमेरिका से लेकर साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश ने हमारा देश को दबाने का कोशिश कर रहा है, और हमारा देश उसके साथ बार बार सरेंडर करते जा रहा है। इसलिए साम्राज्यवाद विरोधी जो नीति है, पूंजीवाद विरोधी जो नीति है, सामंतवाद विरोधी जो नीति है, और विकास के लिए गरीब जनता को ऊपर उठाने का जो नीति है, जो संविधान हमको दिया है उसको पालन करके देश में एकता अखंडता हमारा जो कॉम्पोजिट कल्चर इसको बचा के हम देश को आज़ादी को मजबूत कर सकता। इसलिए ये सारे बातें हम देशवासियों के पास साल भर ले जाएंगे, यही हमारा आज विशेष रूप से बनाने का मकसद है। इसलिए जो लोग भागीदारी कर रहे हैं सारे हमारा साथियों, ये काम ईमानदारी से पूरा करेंगे। पूरा देश में आज हो रहा है, सारे देश का राज्य ऑफिस है, जिला ऑफिस है, इलाका का ऑफिस है, सारे ऑफिस में विशेष रूप से मनाने का यही उद्देश्य है। इसको
अगले साल पूरा इसी बात को, आज़ादी को, मैसेज को जनता के सामने एक्सप्लेन करो, इसको अंतर्घात करने का जो साजिश है उसको फर्दाफाश करके आज़ादी को निश्चित करो। ये लंबा एक लड़ाई है, इसीलिए आज हमको विशेष रूप से इसको मना रहा है। आप जो सब साथी आए हैं सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, देशवासियों को मैं हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूँ कि आज हम एक कठिन घड़ी में पहुँचा है। आज इस कठिन घड़ी में हमारा आज़ादी को बचाने के लिए वी द पीपल जनता को आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारा आज़ादी को मजबूत करने का लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। यही हमारा आज का मैसेज है पूरा देशवासियों के लिए। धन्यवाद कॉम्रेड लाल सिला। साथियों, अभी हमारे जातीय संगीत रखते हुए हमारे एक कार्यक्रम का समापन हो रहा है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भारत विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत मातृ विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज का कार्यक्रम इधर ही समापन हो रहा है।